अस्सलाम वालेकुम, आपको एसना इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड सिंपलस एलईडी फ्लैशर, जिसके अंदर हम आपको इसकी सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करना भी बताएंगे और इसके साथ इसकी जो इसको बनाते किस तरह, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलो हम आपको इसकी सर्किट डायग्राम सबसे पहले दिखाते हैं। सबसे पहले हमने 15 वोल्ट की बैटरी लेनी है, उसके साथ हमने सीरीज़ में 47 के का वेरिएबल लगाना है, जिसकी जगह हम 100 के भी यूज़ कर सकते हैं जितनी आपकी मर्जी। और इसके साथ ही हमने उसके पैरेलल में 470 UF का कैपेसिटर लगाना है 25 वोल्ट का। और इसके साथ हमने रजिस्टर के सीरीज़ में हमने एक LED लगानी है, इस जगह पर रेड लिखा, आप जो मर्जी कलर की लगा सकते हैं। और इसके साथ 100 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है और एक ट्रांजिस्टर लेना है BC547, जिसकी जो बेस पिन है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, और इसका जो इमीटर पिन के साथ 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इसके कलेक्टर को हम ग्राउंड कर देंगे 15 वोल्ट की बैटरी के साथ। और जिसके साथ जब ये LED के ऑन एंड ऑफ टाइम है उसको हम इस फार्मूले के जरिए कैलकुलेट करेंगे 1/RC। जितनी आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी आपकी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, कैपेसिटर कांस्टेंट रखेंगे तो उसके साथ आप उतनी आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, जितनी आपकी रेजिस्टेंस कम करेंगे उतनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको हम आपको इसका सर्किट दिखाते हैं। ये इसका सर्किट है, इसको हम 15 वोल्ट सप्लाई देंगे। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है जिसके ज़रिए ये ब्लिंक कर रहा है। जैसे जैसे हम इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, 47 के रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, उस तरह इसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इस सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कि 47 के एक रेजिस्टेंस लगाई हुई है। जिस तरह हमने इस सर्किट दिखाया, इस तरह एग्जैक्ट हमने इसको सैम्पल किया। अगर आपको ये सर्किट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।